जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं जो मांगोगे वो मिलेगा। पहली और मुख्य बात, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि जो भी बात है वो आपको समझ आ जाए। पहली बात, हम हमेशा हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है हर एक मुकाम पे जाकर बढ़ती जाती, चाहे आप छोटे स्तर पर हो, बड़े स्तर पर हो, वहाँ कभी भी आपकी मांगे कम नहीं होती, क्योंकि मांग हमेशा बढ़ती रहती। दूसरी बात है कि मांग और ये तो चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन संतुष्टि एक सबसे बड़ा धन है जिसे लोग इग्नोर करते हैं और संतुष्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि संतुष्टि एक बहुत महान और महान व्यक्तियों की पहचान है। ये बात आप तो संतुष्ट रहना सीखें। दूसरी बात है कि हम लोगों से अपेक्षाएं करते हैं कि ये हमें कर दे, वो कर दे, कोई कुछ नहीं करता। दोस्तों, जो भी मांगना हो वो ईश्वर से मांगे। आप ईश्वर से वो चीज़ यदि मांगेंगे तो आपको जरूर ईश्वर देंगे। दूसरी तीसरी बात कि किस्मत से ज़्यादा, भाग्य से कम, और ये जितनी भी आपकी बातें हैं, इन बातों में ना उलझे, क्योंकि इन बातों में उलझने से हम काम करने में और कर्म करने में आलस्य करते हैं। कर्म करने में आलस्य करेंगे तो फल आपको नहीं मिलेगा। चौथी बात है कि कोई भी कर्म फल की इच्छा से ना करें, बिल्कुल निष्काम होकर उसको कर्म को करें, फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए केवल अपना काम में काम करना, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। अगर फल की चिंता करेंगे तो कर्म आप सही नहीं कर पाएंगे, और कर्म सही नहीं करने की वजह से आपको फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है, सिर्फ आपके हाथ में कर्म करना है। तो ये सबसे बड़ी बात आप अपने जीवन में गांठ बांध लें। अब बात रही दुनिया वाले जो है, आप जाते हैं बहुत से लोगों में ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये व्यक्ति हमारा ऐसा कर दे, वो कर दे, ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर यही सब कुछ कर लेते हैं तो फिर इस दुनिया में ईश्वर की ज़रूरत क्या थी। बहुत से लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे जो आपसे पैसे हेट लेते हैं और आपको परेशानियाँ जो है वो मेन मूल परेशानी से तो आप दूरी भटक कर एक अलग परेशानी में जूझ जाते हैं। जादू टोना, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये जितनी भी ब्लैक मैजिक की बात है ये करते हैं। ये है या नहीं है, इस पर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि ये केवल मानसिकता का भ्रम है, और वो भ्रम बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति में फैलाया जा सकता है। अगर आपके घर के बाहर कोई नींबू काट कर रख जाए रात में, तो सुबह आप अब देखेंगे तो आपके मन में ये डर हो जाएगा कि किसी ने कुछ कर दिया, आपके मन में चिंता हो जाएगी कि किसी ने कुछ कर दिया। और धीरे धीरे जब ये वहम आपके मन में हो जाता है तो दिमाग और शरीर वास्तव में बीमार हो जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया। वास्तविकता में कुछ है ही नहीं, बस हमने जो मानसिकता पाल रखी है ये वो उसका वहम। ऐसे हर एक चीज़, ये उदाहरण है, हर एक चीज़ पर लागू होता है। इसमें शक भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो मांगोगे वो ईश्वर से मांगे, किसी व्यक्ति से अपेक्षाएं न करें, क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी सत्ता है, हमेशा सहज रहे, सरल रहे। अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।